नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा की प्रमुख सड़कों में। यहाँ का नज़ारा आप देख रहे होंगे। निश्चित रूप से आज यहाँ प्रभारी मंत्री ने जो कहा, रीवा के लोग उसका पालन करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, प्रभारी मंत्री ने कहा 17 तक लॉकडाउन रहेगा। हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। रीवा का हर आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार है। मैं आपको ये भी बताऊँगा इस 17 तारीख तक क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। ज़्यादा बेहतर है मैं कुछ बताऊं, उससे बेहतर होगा प्रभारी मंत्री के मुंह से ही सुन लेते हैं 17 तक रीवा में किस तरीके के प्रतिबंध जारी रहेंगे। 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शादियां 30 मई तक के लिए रोक दी गई हैं। आपकी जो बसें चलती हैं, ट्रेन टाइम जब ट्रेन आएंगी उस समय बसें वहाँ जाएंगी रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन से सवारियां उतरेंगी उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी जो बसें चलती थी इंटर जिला इंटर तहसील, उनको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, अगर यहाँ की सीमा में आते तो उनको 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, और जब 10 दिन होम आइसोलेशन से उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तब उनको छोड़ा जाएगा। और आपके जो दवाइयों की लिस्ट है, आज कलेक्टर साहब उसको सभी दवा की दुकानों में जो कोरोना संबंधी दवाइयाँ हैं उनको रेट निर्धारित करके हर दवाई की दुकान में चस्पा कर दिया जाएगा, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जो जिला अस्पताल मेडिकल अस्पताल में ये था कि मैं मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट जाते हैं, उनके लिए पर्याप्त वार्ड बॉय की व्यवस्था करके मरीजों को रोकने का काम किया जाएगा, और उनके चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था सरकार करेगी। ग्रामीण अंचलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या प्रयास? वो तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगभग 1000 हो गए हैं हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने। पूरे प्रदेश में 2.5 लाख लोग चिन्हित किए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि किल कोरोना के तहत रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, महिला स्व सहायता समूह की बहनें, आशा कार्यकर्ता, सब घर घर जाके चिन्हित कर लिया है। उनको सबको 100% दवाइयों की किट दी जा रही है, और पंचायतों को भी निश्चित रूप से सील कर दिया गया है। न वहाँ से कोई आएगा ना कोई जाएगा, उनको वहीं घर में ही होम डिलीवरी से सामान पहुँचाने का काम होगा। अभी हमने निर्देश दिया है कि जो होलसेल व्यापारी हैं वो फुटकर व्यापारियों के पास सामान पहुँचाएँगे, और फुटकर जो ठेले वाले हैं वो हर वार्डों में जा करके सब्जियां पहुंचाने का काम करेंगे। तो सुना आपने प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ खोलने क्या कुछ बंद करने की बात बताई। शादियां 30 तारीख तक नहीं होंगी, ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। जी हां, धरने प्रदर्शन नहीं होंगे। मैंने इस बात को दोहराया है, प्रभारी मंत्री ने साफ तौर से कहा धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों को उन्होंने बताया था धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, शादियां नहीं होंगी, लॉकडाउन 17 तक रहेगा। उसके ठीक 5 से 10 मिनट बाद उन्होंने क्या किया, स्वयं धरना दिया, वह भी बंगाल के जो भी बंगाल में घटना हुई है उसको चलते पूरा। उनका कहना था ये राष्ट्रव्यापी धरना है। धरना किसको लेकर? बंगाल में जो हिंसा हुई, अगर यह धरना उनको लेकर होता जो लॉकडाउन के दौरान सरकार की गलतियों की वजह से जो लोग मर गए तो एक बार बात समझ में आती। राष्ट्रव्यापी धरना वह भी बंगाल को लेकर रीवा में, यह बात तो कतई समझ में नहीं आई। लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर किसी न किसी वजह से रोज कुछ न कुछ मौतें हो रही हैं, उसको लेकर अगर यहाँ की मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी अगर धरना देते तो रीवा वाले उस बात को समझते और उनके पीछे स्वयं आके खड़े हो जाते। अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति 10 मिनट के अंदर दो अलग अलग तरीके की बात करता। मैंने आपको दोनों बातें दिखाई, दोनों बातें सुनाई, अब आपको ही तय करना क्या सच क्या झूठ। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।